जब मैंने शुरू किया था तो जब हमने शुरू किया था तो एक सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो बादशाह का अभी अभी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो पागल टूर किसके लिए कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली हनी पाजी को भी रिप्लाई दिया है। सो पहले आप लोग वो वीडियो क्लिप देख लो। मतलब पर्सनल मामला, एक रंजिश के साथ चढ़ूंगा मैं स्टेज पर। सो बादशाह ने इनडायरेक्टली अपनी हनी पाजी को रिप्लाई दिया है। आप लोगों को इस पे क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो इंडिया में हिप हॉप चल रहा है वो मैंने ही शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हमने बोलकर बात बदल दी। तो हमने मतलब उस टाइम पर जितने भी लोग माफिया मुंडीर में थे उन सब ने मिलकर शुरू किया था। तो बादशाह ने मैंने से हमने क्यों किया, आप लोग हनी पाजी की ये स्टोरी देखो जिसमें उन्होंने कहा था कि लूजर हमेशा कहता है मैंने किया, वही विनर हमेशा कहता है हमने किया। So, आप लोग वो क्लिप भी देख लो। बहुत इवॉल्व हुआ है। जब मैंने शुरू किया था तो आर्टिस्ट भी कम थे, एज अ जॉनर बहुत डॉल्सन स्टेज पर था, बट यही एनविजन किया था, यही होप करी थी और वही हो रहा है और बहुत खुशी है जनरली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमने शुरू किया था तो एक एज रेबल हमने शुरू किया था कि यार क्यों बॉलीवुड, क्यों उसके बिना। तो आई थिंक वी आर एट अ स्टेज where with all due respect to the Hindi film industry for whatever they do, as musicians हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर हमें किसी व्हीकल की या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक म्यूजिक हैज़ एंड म्यूजिशियंस। सो आप लोगों को इस पर क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।